Hello and welcome to the Chhattisgarh exclusive current affairs program by competition committee specially for English medium aspirants. देखिए, I need to share one thing to you people. तो पिछले कुछ वीडियोस से लगातार जो है हमें डिमांड्स आ रही थी कि ये जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स का वीडियो है छत्तीसगढ़ का, इसे हम बाइलिंगुअल क्यों नहीं कर सकते. बाइलिंगुअल का मतलब है कि कंटेंट इंग्लिश में हो जाए और एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे. तो वी हैव एक्चुअली कंसिडर्ड दिस रिक्वेस्ट और अब से ये हमारा जो करंट अफेयर्स का शो है इसको हम करने वाले हैं किस मोड में, तो बाइलिंगुअल मोड में. डन. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कंसिडर करेंगे कब से कब तक के करंट अफेयर्स, तो 16th से 31st ऑफ जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स को हम कंसिडर करने वाले हैं इस वीडियो में. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने 15th ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर्स को देख लिया था. डन. अच्छा, डायरेक्टली कंटेंट में जंप करने से पहले क्या करते हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू पीपल कि अगर आपने अभी तक कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर आप हिट करें. इससे क्या होगा, तो आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. अच्छा, इफ एट ऑल आपको ये वीडियो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगता है तो क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को क्या करिए तो शेयर भी करिए. और फाइनली अगर इस वीडियो का आपको चाहिए पीडीएफ तो कंपटीशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम चैनल को टेलीग्राम पे आप कर लीजिए सब्सक्राइब. डन. तो सबसे पहला आज का टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय टाटा ट्रस्ट. क्लियर. तो पहला फैक्ट आप रिमेंबर कर लें कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो टाटा ट्रस्ट. अब जब आप इसको पढ़े होंगे तो यू मस्ट हैव फाउंड अ कपल ऑफ मोर नेम्स कि इसके साथ कौन है. तो आपने इसमें सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, इसके अलावा कॉमन कॉज और दक्ष जैसे नाम पढ़े होंगे. क्लियर. बट इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लीज रिमेंबर टाटा ट्रस्ट. नाउ ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2020, इट इज एक्चुअली द सेकंड एडिशन. ये कौन सा एडिशन है, तो सेकंड एडिशन है. तो फर्स्ट एडिशन जो है दैट वाज एक्चुअली पब्लिश्ड इन द ईयर 2019. तो पहला एडिशन पब्लिश हुआ है ईयर 2019 में और दिस इज द सेकंड एडिशन. नाउ अब आ जाते हैं इस रिपोर्ट के बेसिक्स पे. तो सबसे पहले समझते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे एम क्या है. तो एम है टू कंपेयर दी स्टेट्स. अब कैसे कंपेयर करना, तो स्टेट्स की जो स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल कैपेसिटी है. क्लियर. किस लिए, टू प्रोवाइड जस्टिस. इसी को इस रिपोर्ट में कंपेयर किया गया है. तो क्या करना है, कंपेयर करना है स्टेट्स को किसके अकॉर्डिंग, तो उनकी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल कैपेसिटी किस लिए, टू प्रोवाइड जस्टिस. डन. तो हमने अभी तक क्या देख लिया, पहला फैक्ट किसने रिलीज किया, सेकंड फैक्ट देख लिया व्हाट इज एक्चुअली द एम. अब ये जो टोटल रिपोर्ट है, क्लियर, इसमें है चार इंडिकेटर्स. तो पहला इंडिकेटर है पुलिस, सेकंड इंडिकेटर है प्रिजंस, थर्ड है जुडिशरी और फोर्थ इंडिकेटर है लीगल एड. डन. तो देखिए, वैसे तो इंडिविजुअल इंडिकेटर्स जो हैं इनकी भी रैंकिंग्स हैं और एक रैंकिंग जो है दैट इज ओवर ऑल, मतलब ऑल इन ऑल हम कितने रैंकिंग्स देखने वाले हैं, तो 5 रैंकिंग्स देखने वाले हैं. तो चार इंडिकेटर पुलिस, प्रिजंस, इसके अलावा जुडिशरी और लीगल एड की रैंकिंग्स और फाइनली एक रैंकिंग रहेगी ओवरऑल. अच्छा, अब इस रैंकिंग को करने के लिए इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो पहला है लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स.
ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका पॉपुलेशन कितना है, तो 1 crore+ है पॉपुलेशन, और ऐसे कितने स्टेट्स हैं, तो हैं 18। उसके बाद हैं स्मॉल स्टेट्स, पॉपुलेशन 1 crore से लेस, कितने हैं, तो 7। उसके अलावा रखा गया है 7 यूटीज को, और फाइनली जो है अनरैंक्ड स्टेट्स हैं 4। डन। तो कैटेगरीज कितनी है, 4। पहला है लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स, पॉपुलेशन 1 crore+ वाले हैं, कितने हैं, तो 18। उसके बाद स्मॉल स्टेट्स 7, फिर यूटीज हैं 7, और उसके बाद अनरैंक्ड है कितने, तो 4 स्टेट्स। डन। अच्छा, अब जो हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, पॉपुलेशन कितना है, तो है 2.55 crore। अब आप समझ जाइए कौन सी कैटेगरी में होगा छत्तीसगढ़, तो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स की कैटेगरी में। तो हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, इसको रैंक मिला है 2nd, पर्टिकुलर किस कैटेगरी में, तो पोलिस कैटेगरी में। डन। तो हमने एक इंडिकेटर देखा था पोलिस, तो उसी इंडिकेटर में या उसी कैटेगरी में मैं कहूं छत्तीसगढ़ को रैंक मिला है क्या, 2nd। ये कब की बात हो रही है, तो बात हो रही है इंडेक्स 2020 की। अभी जो लास्ट ईयर का इंडेक्स था 2019 का, उसमें छत्तीसगढ़ को पोलिस कैटेगरी में रैंक कितना था, तो 10th रैंक मिला था। दैट मींस पोलिस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने इंप्रूवमेंट किया है, 10th रैंक से छत्तीसगढ़ आ गया है कौन से रैंक पे, तो 2nd रैंक पे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रैंकिंग्स, तो ईयर 2019 और हम देखते हैं ईयर 2020। तो ईयर 2019 में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग था 10th, और 2020 में इंप्रूव होके ये रैंक हो गया है कौन सा, 7th। तो 2019 में 10th रैंक था छत्तीसगढ़ का, 2020 में इंप्रूवमेंट के साथ हो गया है 7th रैंक। कौन सी कैटेगरी है, तो हम ओवरऑल रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं। डन। अमंग दी 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स, समझ में आया। अच्छा, अब प्रिजंस की मैं बात करूं, तो फिर से हम देख लेते हैं दो कैटेगरीज, ईयर 2019 एंड ईयर 2020। अब प्रिजंस कैटेगरी में 2019 में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना था, 8th, और 2020 में 3 प्लेसेस स्लिप होके छत्तीसगढ़ पहुंच गया है 11th रैंक पे। डन। तो ओवरऑल में हमने इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन प्रिजंस कैटेगरी में देखिए छत्तीसगढ़ में डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले 8th रैंक था, अब रैंक कौन सा हो गया है, तो हो गया है 11th। नेक्स्ट कैटेगरी है जुडिशरी, तो जुडिशरी में 2019 में छत्तीसगढ़ का रैंक था 12th, 2020 का जो इंडेक्स है इसमें है 4th रैंक। That means छत्तीसगढ़ ने 8 places का किया है improvement। Done। तो 2019 में 12th और 2020 में है 4th, 8 places का improvement। और finally हो गया क्या, तो legal aid की ranking। अब इस ranking में छत्तीसगढ़ 2019 में था 8th place पे, और 2020 के index में छत्तीसगढ़ आ गया है 15th प्लेस में, मतलब 7 प्लेसेस स्लिप हुआ है छत्तीसगढ़। क्लियर। तो हमने क्या देखा है, जुडिशरी, पोलिस और ओवरऑल, ये 3 कैटेगरीज में छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, तो इंप्रूवमेंट किया है। एंड प्रिजंस एंड लीगल एड, इसमें छत्तीसगढ़ का डिक्लाइन हुआ है। क्लियर। तो ये था पूरे के पूरे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का एनालिसिस। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो पार्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ये जो है कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें जो फैक्ट्स हैं, स्पेशली पोलिस में और ओवरऑल कैटेगरी में, ये फैक्ट्स जो हैं, दे आर फॉर योर वन डे एग्जाम। तो कोई भी आप वन डे एग्जाम देंगे, उसमें ये फैक्ट्स काम में आ जाएंगे। और ये जो टोटल टॉपिक है, ये आपके CGPSC मेंस में जो पेपर नंबर 2 है, दैट मींस एसे का पेपर, इस एसे के पेपर में आपको ये एनालिटिकल पार्ट में काम में आ सकता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट रिलेट्स टू
पद्मश्री अवार्ड किनको मिल रहा है पद्मश्री, तो डॉक्टर राधेश्याम बारले। अब सबसे पहले समझिए कि ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन इंडिया। क्लियर? तो पद्म अवार्ड्स जो होते हैं ना, ये इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स। अब ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, ये बेसिकली डिक्लेयर कब होते हैं, तो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे कब होता है, तो 26th of January को। डन। तो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे डिक्लेयर होता है ये पद्म अवार्ड। और पद्म अवार्ड क्या है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स या ऑनर्स इन इंडिया। अब ये जो पद्म अवार्ड्स है, इसका इंसेप्शन कब हुआ था, तो ईयर 1954 में इंसेप्शन हुआ था। इस समय दो अवार्ड्स थे बेसिकली, पहला था भारत रत्न और सेकेंड था पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण बेसिकली 3 कैटेगरीज में उस समय दिया जाता था। लेकिन होता क्या है, ईयर 1955 में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आता है और ये जो पद्म विभूषण 3 कैटेगरीज में था, इसको चेंज करके अब कर दिया जाता है क्या, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड पद्म श्री। क्लियर? तो ये है थोड़ी सी हिस्ट्री पद्म अवार्ड्स की। डन। तो हमने देख लिया कैसे इंसेप्शन हुआ, कैसे प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए। हमने ये भी देख लिया, ये जो पद्म अवार्ड्स है, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन इंडिया। कब डिक्लेयर होते हैं, तो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। अब देखिए, ये जो पद्म विभूषण अवार्ड होता है, ये दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। फिर पद्म भूषण जो है, ये मिलता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। और पद्मश्री जो है, ये मिलता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। तो पद्म विभूषण मिलता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, और पद्मश्री जो है वो मिलता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। अच्छा, अब किन कैटेगरीज में अवार्ड्स मिल सकता है, तो पहली कैटेगरी है आर्ट्स की, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है आर्ट्स में आ जाएंगी। इसके अलावा पेंटिंग वेंटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। आर्ट्स के अलावा है पब्लिक अफेयर्स, इसके अलावा है सोशल वर्क्स, उसके बाद है साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें मिलता है ये पद्मा अवार्ड्स। क्लियर? अच्छा, अब ये अनाउंस कौन करता है, तो अनाउंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इसको अनाउंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा रिपब्लिक डे था 2021 का, इसमें भी डिक्लेयर किया गया पद्मा अवार्ड्स। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ से डॉक्टर राधे श्याम बारले, ही इज अ नोटेड पंथी डांसर, इनको डिक्लेयर किया गया है पद्मश्री अवार्डी। क्लियर? तो सबसे पहले दो चीजों को समझिए, पहला पंथी और दूसरा डॉक्टर राधे श्याम बारले। अब सबसे पहले हम देखते हैं पंथी को। तो पंथी क्या है, तो पंथी इज एक्चुअली अ फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। अब नाम पंथी क्यों है, नाम इसलिए पंथी है क्योंकि किसी पंथ से संबंधित जुड़ा या रिलेटेड है। कौन से पंथ से, तो सतनाम पंथ या सतनाम कम्युनिटी से रिलेटेड है ये पंथी डांस। और डांसर कौन है फेमस, तो डॉक्टर राधे श्याम बारले। तो डॉक्टर राधे श्याम बारले ने क्या किया, इस पंथी डांस से इन्होंने प्रोपगेट किया है मैसेजेस को किनके, तो बाबा गुरु घासीदास, हु इज एक्चुअली द प्रोपोनेंट ऑफ सतनाम कम्युनिटी। और इन आइडियाज को प्रोपगेट ना सिर्फ इंडिया में किया बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रोपगेट किया है इन्होंने। अच्छा, तो ये देख लिया हमने अवार्ड्स एंड पंथी के बारे में। अब डॉक्टर राधेश्याम बारले के बारे में समझ लीजिए। तो इनका जो बर्थ है कब हुआ है, तो 9th of October 1966 कहां हुआ है, तो दुर्ग में एक तहसील है, नाम है पाटन।
और इस पाटन तहसील में एक विलेज है जिसका नाम है खोला। क्लियर? तो डॉक्टर बार्ले जो है इनका बर्थ हुआ कहां पे? तो खोला विलेज, पाटन तहसील, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। डेट क्या था? 9th of October 1966। क्लियर? तो इन्होंने एक तो MBBS किया है, साथ में इन्होंने क्या किया है तो डिप्लोमा किया है फोक म्यूजिक में। कहां से किया है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ये सबसे पहले कहां है एंड सेकंड कौन से ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्लियर? तो कमेंट करके यू पीपल हैव टू टेल मी दीज टू थिंग्स। अच्छा, अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये सोली इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी वन डे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वन डे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछ लेगा 2021 में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री किनको मिला, तो आंसर डॉक्टर राधेश्याम बार्ले। घुमा के पूछ सकता है किस फील्ड में मिला, तो आपको पता है कि किस फील्ड में मिला है, आर्ट्स के फील्ड में मिला है। मैच दी कॉलम्स में पूछ सकता है जिसमें पुराने पद्मश्री अवॉर्डीज और उनके इयर्स दे सकता है या उनके फील्ड्स दे सकता है। क्लियर? तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इन फैक्ट्स को लेके बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है छत्तीसगढ़ टॉप्स इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट ऑन MSP। तो पिछले दो तीन वीडियोस में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में एक्चुअली 52 टाइप्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का किया जाता है प्रोक्योरमेंट। डन। लेकिन सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। तो होते हैं नॉन टिम्बर प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए इसमें बैम्बू आ जाता है और भी बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं इसमें, इसके अलावा लीव्स आ जाते हैं इसमें। डन। अब कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले समझिए कि पूरे इंडिया का 73% जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसका प्रोक्योरमेंट एमएसपी में किया है। किसने? तो हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ ने। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया, इंडिया को कर दिया टॉप। मतलब छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है, तो इंडिया में है फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस ऑन एमएसपी। अब कितना परसेंट छत्तीसगढ़ ने प्रोक्योर किया है, तो पूरी कंट्री का 73% तो छत्तीसगढ़ ने ही प्रोक्योर कर लिया है। डन। तो यहां पे कौन कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे पहले एमएसपी का डेफिनेशन। तो एमएसपी क्या होता है, तो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो भी कैसे, प्लांट ओरिजिन के। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो बैम्बू है, रूट्स है, लीव्स है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। और कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है, फर्स्ट। सेकेंड फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरे इंडिया का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ ने प्रोक्योर कर लिया है, तो 73% किया। और छत्तीसगढ़ में कितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को एमएसपी में लिया जाता है, तो कितने हैं, 52 टाइप्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो है तेंदू लीव्स। और ये जो तेंदू लीव्स हैं इसका प्रोक्योरमेंट होता है कितना, तो ₹4,000 पर स्टैंडर्ड बैग। अब ये जो स्टैंडर्ड बैग है इसका क्या मतलब होता है, तो एक जो स्टैंडर्ड बैग होता है तेंदू लीव्स का, उसमें होते हैं 50,000 लीव्स। कितने होते हैं, 50,000 लीव्स। ये क्वेश्चन व्यापम में बहुत बार आ चुका है कि तेंदू लीव्स के एक स्टैंडर्ड बैग में कितने लीव्स होते हैं, तो होते हैं 50,000। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूं, ईयर 2019-20 के लिए तेंदू पत्ता कलेक्शन जो है उसका गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, तो टारगेट है 15.05 लाख स्टैंडर्ड बैग्स। क्लियर? क्या टारगेट है, तो 15.05 लाख स्टैंडर्ड बैग्स का टारगेट है गवर्नमेंट का तेंदू पत्ता कलेक्शन के लिए फॉर द फिस्कल 2019-20। अच्छा, अब इसमें से हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो एक आपको बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से पूछेगा कितने
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एमएसपी पे ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आंसर होगा 52। क्लियर। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? तो मेंस में जो हमारा एसे वाला पेपर है, इस पेपर में अगर फॉरेस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई एसे आ गया तो इस टॉपिक को आप अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हैं। डन। तो ये हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एमएसपी पे प्रोक्योर। अब नेक्स्ट है लाख कल्टीवेशन, इट गेट्स द एग्रीकल्चरल स्टेटस इन छत्तीसगढ़। सबसे पहले समझिए कि ये लाख कल्टीवेशन को या लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चरल स्टेटस देने के पीछे एम क्या था। तो हम देखते हैं इसका एम, टू प्रमोट द लाख फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। क्लियर। पर्टिकुलरली कहां पे? तो पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड फॉरेस्ट एरियाज, आर से रिमोट, एफ ए से फॉरेस्ट एरियाज। क्लियर। तो एम क्या था? एम टू प्रमोट द लैक फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रिमोट एंड फॉरेस्ट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। इसलिए क्या किया जा रहा है, लैक कल्टिवेशन को दिया जा रहा है एग्रीकल्चरल स्टेटस। अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा यहाँ पे कि कैसे इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जैसे ही इसको एग्रीकल्चरल स्टेटस दिया जाएगा वैसे ही क्या होने वाला है, तो ये भी जनरल फार्मर्स की तरह कंसिडर होंगे और जनरल फार्मर्स से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स का फायदा मिलने वाला है जो प्रैक्टिस करेंगे लैक कल्टीवेशन का। एग्जाम्पल के लिए है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या मिलता है, तो जीरो इंटरेस्ट में जो फार्मर्स हैं उनको मिलता है लोन। डन। अब देखिए इसके लिए ऑर्डर कब इशू किया गया है, तो ऑर्डर इशू किया गया है 18th of January 2021 को कि लैक कल्टीवेशन हैज बीन ग्रांटेड द एग्रीकल्चरल स्टेटस इन छत्तीसगढ़। अब ये जो स्कीम है टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस, इससे लगभग 50,000 फार्मर्स हैं छत्तीसगढ़ के, ये हो जाएंगे बेनिफिटेड। डन। अभी देखिए छत्तीसगढ़ से लैक का प्रोडक्शन कितना है, तो लगभग है 4500 टन्स पर एनम। अब गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि ये इंक्रीज करके होना चाहिए लगभग 10,000 टन्स पर एनम बाय दिस थिंग। क्लियर। तो एग्रीकल्चरल स्टेटस जब ग्रांट करेंगे सभी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिलेगा, तो जो टोटल प्रोडक्शन है 4500 टन्स का पर एनम, उसको गवर्नमेंट प्लान करी है कि इंक्रीज होकर कितना हो जाए 10,000 टन्स पर एनम। और लगभग कितने फार्मर्स बेनिफिट होंगे, तो लगभग 50,000 फार्मर्स जो है बेनिफिट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन एक तो आ जाएगा आपका वन डे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसे एग्रीकल्चरल स्टेटस ग्रांट किया गया है, तो ध्यान रखना है आपको इट इज लैक कल्टीवेशन। दूसरा आपके काम में आएगा मेंस में। अब मेंस में एक तो ये पेपर 5 छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में काम आ सकता है और साथ में पेपर नंबर 2 एसे में काम आ सकता है जब आप एग्रीकल्चर रिलेटेड एसे लिखें। डन। तो ये हो गए इस टॉपिक से क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब इस इंडेक्स में जाने से पहले ये जो वर्ड है इनोवेशन, इसका मीनिंग समझिए। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, तो क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन किसका, तो किसी प्रोडक्ट का या प्रोसेस का या सर्विस का। क्यों? टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, ईटा लिख दिया, एफिशिएंसी होता है ईटा का मतलब, और टू ग्रांट
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर? तो इनोवेशन का क्या मतलब होता है? क्रिएशन, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन। किसका? तो किसी प्रोडक्ट का या प्रोसेस का या सर्विस का। क्यों करना है ऐसा? तो जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाए या एफिशिएंसी बढ़ जाए या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। डन। अब ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज करता है कौन? तो नीति आयोग। डन। तो नीति का फुल फॉर्म सबको पता है, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका कोलैबोरेशन है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए किसके साथ? द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। डन। तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है जिसका नाम क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। वंस अगेन, इस इंडेक्स का ये कौन सा एडिशन है? तो सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था? तो फर्स्ट एडिशन आया था ईयर 2019। अब 2019 हो या हो 2020, दोनों एडिशन में फर्स्ट रैंक जो है किसे मिला है? तो कर्नाटका को। क्लियर? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है वो किसे मिला है? तो कर्नाटका को। क्लियर? तो यहां पे हम देख सकते हैं कर्नाटका का स्कोर कितना है, तो 42.5। अब ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है कह सकते हैं इंडियनाइज्ड वर्जन है किसका? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे पब्लिश करती है कौन? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। तो ईयर 2020 में इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक था 48 अमंग 131 पार्टिसिपेंट कंट्रीज, और 2019 में इंडिया का रैंक था 52 अमंग 129 पार्टिसिपेंट कंट्रीज। ठीक है, इंडिया का स्कोर 2019 में कितना था? 36.58, और 2020 में स्कोर कितना है? तो 35.6। देखिए यहाँ पे स्कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम रैंक को आपको ध्यान में रखना है। 2020 में इंडिया का रैंक है 48 और 2019 में रैंक था 52। ठीक है, टोटल कंट्रीज 2020 में 131, 2019 में कितने? तो 129। अब देखिए ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2020 का, इसमें बेसिकली इंडिया को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मेजर स्टेट्स, उसके बाद है नॉर्दर्न एंड हिल स्टेट्स, और उसके बाद है यूटी एंड सिटी स्टेट्स। अब मेजर स्टेट्स में 17 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में है 10, और उसके बाद यूटी एंड सिटी स्टेट्स में है 9। अब देखिए मेजर स्टेट्स में कौन है? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, देन वी हैव झारखंड, कर्नाटका, केरला, आफ्टर देम वी हैव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी एंड फाइनली वेस्ट बंगाल। ये हो गए 17। अब नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, और फाइनली यूटी एंड सिटी स्टेट्स में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, देन वी हैव जम्मू कश्मीर, वी हैव लक्षद्वीप एंड वी हैव पुदुचेरी। अब देखिए इस रिपोर्ट में इंडिकेटर्स कौन कौन से? तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले है नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद है एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद है नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस चार्ट में आपको दिख रही होंगी। हमारे काम के हिसाब से ये चार इंडिकेटर्स जो हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। अब बेस्ड अपॉन द इंडिकेटर्स छत्तीसगढ़ का 17 मेजर स्टेट्स में से रैंक है कितना? तो 16। तो टोटल मेजर स्टेट्स कितने हैं? 17। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? तो 16। कौन से में? तो 2020 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसमें। अब 2019 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक था 15, मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, उल्टा एक
प्लेस का लॉस हमें है, मतलब एक प्लेस नीचे खिसक गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ जो है उसका अभी कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। स्कोर भी देखिए हमारा कितना है, तो इट इज ओनली 15.77 और डिस्पैरिटी देखिए जो टॉप है उसका स्कोर है 42.50। तो ये था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। वंस अगेन इसमें वन डे एग्जाम के लिए रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डन। और ये हमारे मेंस में काम आ सकता है, एक तो पेपर 5 जिसमें छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी आ जाएगी, और पेपर नंबर 2 मतलब ऐसे में भी ये काम में आ सकता है टॉपिक हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। अब ये बर्ड फेस्टिवल सबसे पहले समझिए कहां पे हो रहा है, तो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में है, गिधवा, परसदा एंड नगड़ा विलेजेस। कौन कौन से? गिधवा, परसदा एंड नगड़ा विलेजेस। अब ये जो विलेजेस है इसमें खासकर गिधवा एंड परसदा के बारे में जानिए, दे आर एक्चुअली वेट लैंड्स, क्लियर। तो यहाँ पे 100-125 एकड़ का एक ऐसा एरिया है जो कि वेटलैंड है, और यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके आ जाते हैं। अब ये जो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कब से कब तक ऑर्गेनाइज, तो 31st of January से लेके 2nd of February 2021 तक, मतलब 3 days लॉन्ग ये फेस्टिवल है, डन। अब ये जो गिधवा है ये बड़ा यूनिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो वेटलैंड है वहां पे लगभग 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एक्चुअली माइग्रेट एवरी ईयर। और ये जो माइग्रेशन है इन जनरल कहां से होता है, तो यूरोप, मंगोलिया, बर्मा एंड बांग्लादेश, डन। और ये माइग्रेशन कब होता है, तो जनरली विंटर सीजन में होता है, लगभग अक्टूबर से मार्च मंथ्स के बीच में होता है ये माइग्रेशन। अब देखिए ये जो बर्ड फेस्टिवल है कहां का, गिधवा परसदा का, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर द इनिशिएटिव हमर चिरई, हमर चिन्हारी, क्लियर। तो क्या इनिशिएटिव है, हमर चिरई हमर चिन्हारी, आर बर्ड्स आर आइडेंटिटी। अब इस इनिशिएटिव में क्या होगा, तो एवरी ईयर दिसंबर में छत्तीसगढ़ में 7 लोकेशंस में ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, अब इस गिधवा की हम बात करें तो कॉमन माइग्रेंट बर्ड्स कौन कौन सी हैं, तो एक है कॉमन पोचार्ड, उसके बाद है नॉर्दर्न पिनटेल, और उसके बाद है फेरुजिनस पोचार्ड। अब ये जो कॉमन पोचार्ड है ये जो बर्ड जनरली यूरोप से आती है, यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करती लेकिन विंटर्स में यहाँ पर रहती है। नॉर्दर्न पिनटेल है ये आती है यूरोप से, अफ्रीका से, और 1000 numbers में। और जो फेरुजिनस पोचार्ड है ये जो बर्ड है बेसिकली, ये जो स्पीशीज है बेसिकली ये है डेंजर में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, क्लियर। तो इनका यहां छत्तीसगढ़ में आना जो है यहां की बायोडायवर्सिटी के बैलेंस को बताता है, डन। तो ये सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल जो है कहां पे हुआ था, मतलब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो वन डे एग्जाम में बहुत ज्यादा है, क्लियर। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का जो स्टेट पुलिस एकेडमी है, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इनका बर्थ कब हुआ था, तो हुआ था 23rd of January 1897 को। कब हुआ था, 23rd of January 1897 को, कहां पर, तो हुआ था कटक में, क्लियर। तो इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी इस ईयर, और इसी ओकेशन पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल हैज एक्चुअली डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी व्हिच इज सिचुएटेड एट चंदखुरी इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन वंस अगेन वन डे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही बन सकते हैं। क्लियर, पूछ देगा छत्तीसगढ़ के किस इंस्टीट्यूशन का नाम जो है अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रीनेम किया गया है। अब नेक्स्ट है रिलीजिंग ऑफ द बुक। अब बुक का क्या नाम है, तो सुपोषण संघ स्वरोजगार। देखिए अब ये जो बुक है सुपोषण संघ स्वरोजगार, इस बुक को रिलीज किसने किया, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल। क्लियर, अब इस बुक को प्रिपेयर किसने किया है, तो बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और कहां पे रिलीज किया है, तो किया है दंतेवाड़ा में। तो तीन फैक्ट जो है इस टॉपिक से बन जाएंगे कि सबसे पहले ये जो बुक है सुपोषण संघ स्वरोजगार, दिस बुक वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट छत्तीसगढ़। उसके बाद पूछेगा कि इसको रिलीज किसने किया, तो बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल। और फाइनली कहां पर रिलीज किया गया है, तो किया गया है दंतेवाड़ा। क्लियर, आप पिक्चर में देख ही सकते हैं यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिलीज कर रहे हैं बुक को। अच्छा, एक मिसलिनियस इंफॉर्मेशन, ये जो डिपार्टमेंट है विमेन और चाइल्ड वेलफेयर, इसमें मिनिस्टर कौन है, तो है अनिला भेड़िया जी। क्लियर, हु इज द मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़, मिनिस्टर इज अनिला भेड़िया जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ कला उत्सव 2020। अब ये जो कला उत्सव है ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर, और किसके अंडर है ये इनिशिएटिव, तो अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। डन, अब क्यों किया गया है, तो किया गया है टू प्रमोट द आर्ट्स इन एजुकेशन। डन, मतलब ये जो कला उत्सव है इट इज एन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टू प्रमोट आर्ट्स इन एजुकेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज मिला है किस कैटेगरी में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्लासिकल का जो सब कैटेगरी है फॉर मेल्स, उसके लिए मिला है छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज। ठीक है, किसको मिला है, तो मिला है मिस्टर विवेक देवांगन। और ये जो देवांगन जी हैं ये बेसिकली हैं इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ के क्लास 12th के स्टूडेंट। क्लियर, और इन्हीं को मिला है ये फर्स्ट प्राइज। और कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था, तो किया था फ्लूट। ठीक है, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ को सबसे पहले कौन सा प्राइज मिला, तो फर्स्ट। किस कैटेगरी में, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्लासिकल। और उसके बाद किसे मिला है, तो विवेक देवांगन। डन, वंस अगेन ये जो टॉपिक है बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस बनेंगे, और ये तीन बेसिकली क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं जिसमें कौन सा प्राइज किस कैटेगरी में किसको, और एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। क्लियर, तो ये चार क्वेश्चंस है जो कि बन जाएंगे इस टॉपिक से। और फाइनली है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया विच इज नोन एज वासुकी। अब देखिए जो SECR है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, क्लियर, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है बिलासपुर में। डन, तो इसी SECR में चला है ये वासुकी, कहां से कहां तक, तो रूट था भिलाई के डी कैबिन से लेके कोरबा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 224 किलोमीटर। अब देखते हैं कि ये वासुकी क्या है, तो वासुकी जो ट्रेन है इसमें एमालगमेट किया गया था 5 रेक्स को। अब रेलवे में रेक क्या होता है, तो समझिए पूरा का पूरा ट्रेन विदाउट इंजन इज नोन एज अ रेक। मतलब 5 फुल ट्रेन्स को ज्वाइन किया गया जिसमें लगभग 295 बोगीज हो गई प्लस थे 5 इंजन्स। क्लियर, कुल मिला के 3.5 किलोमीटर लेंथ था इसका। और ये कैसी ट्रेन, तो ये एक फ्रेट ट्रेन थी, और इसी का नाम क्या दिया गया, तो दिया गया वासुकी। क्लियर, तो वासुकी ट्रेन कहां से कहां तक चली, भिलाई डी कैबिन से कोरबा अप्रोक्सीमेटली 224 किलोमीटर, 295 बोगीज थे, 5 इंजन्स, मतलब 5 रेक्स को ज्वाइन करके ये फ्रेट ट्रेन बनाई गई जिसका लेंथ कितना, लगभग 3.5 किलोमीटर। अच्छा, इसके अलावा SECR में एक ट्रेन शेष नाग चल चुकी है जिसमें 4 रेक्स थे,
और एक सुपर एनाकोंडा जिसमें 3 रेक्स थे। कई जगह इसका नाम आप एनाकोंडा भी पढ़ेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो शेषनाग 4 रेक्स, सुपर एनाकोंडा 3 रेक्स, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, वासुकी 5 रेक्स, 295 बोगीज प्लस 5 इंजन्स। रूट क्या था, भिलाई का डी कैबिन से लेके कोरबा। कैसी ट्रेन, तो फ्रेट ट्रेन। वंस अगेन, अब ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपके 1 डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वासुकी जो ट्रेन है उसमें कितने रेक्स, तो आप बता देंगे। इसका रूट कितना, तो बता देंगे। किस रेलवे जोन में चली है, तो भी आप बता दीजिएगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया, कहां से 16th of January से लेकर 31st of January तक। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं देता हूं कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है इसको ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है कमेंट्स सेक्शन में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है COVID-19 वैक्सीनेशन वॉज स्टार्ट इन द होल कंट्री फ्रॉम January 16th, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू बी एडमिनिस्टर्ड द सेड वैक्सीन। क्लियर, ऑप्शन है ए में तुलसा तांडी जी, बी में लक्ष्मी साहू जी, सी में प्रीतम नाथ जी और डी में प्रमोद साह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फेज 2 ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 11। और फाइनली है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्टेट गैलेंट्री अवार्ड्स 2021। ऑप्शन क्या है, ए में 3, बी में 5, सी में 7 एंड फाइनली डी में 11। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई'd लाइक टू वंस अगेन टेल यू पीपल कि ये जो क्वेश्चंस है इसका आंसर आपको कमेंट्स सेक्शन में ही कर देना है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक ले, थैंक यू एंड टेक केयर।